और जब तक ये शराब का बार बंद नहीं होगा, ऐसे राजा नारसिंह जी के बलिदान दिवस जो देने वाले हैं, हम जब तक अनशन भी करेंगे, अपनी लड़ाई भी लड़ेंगे, और सभी इसमें जो राजा थे ये कोई एक जाति के नहीं है, ये सब जाति के राजा थे, राजा सब जाति के होते हैं, और हम सर्व जाति को इकट्ठा करके प्रदर्शन अपना शांतिपूर्वक करेंगे। जब तक ये बार बंद नहीं होगा, हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। 3 पत्र अपने हरियाणा सरकार को भेजे हैं, जिनमें हरियाणा सरकार ये कह रही है कि ये बार अगर हमने बंद कर दिया, ये वो हरियाणा सरकार का पत्र है जिसमें कह रही है अगर बार हमने बंद कर दिया तो हमें आर्थिक हानि होगी। ये कितने दुर्भाग्य की बात है कि हरियाणा सरकार अमर शहीद राजा नाहर सिंह के महल से, शराब के बार से पैसे कमाकर सरकार चलाने का दावा करती है। इसमें अगर ये हमारा 6 अप्रैल को यहाँ जन्मदिन के उपलक्ष्य में हवन और श्रद्धांजलि सभा है, अगर वो 1 महीने में 6 मई तक यहाँ पर अगर बार को बंद नहीं किया जाता तो हम यहाँ पर अनशन भी करेंगे, हम यहाँ पे उपवास भी करेंगे और 6 मई के बाद लगातार यहाँ पे कार्यक्रम किया जाएगा। ये कहना कि चुनाव के समय में ये बिल्कुल गलत है। 2 वर्ष के पत्र ये हैं, प्रधानमंत्री जी के लिखे गए हैं, राष्ट्रपति जी को लिखे गए हैं, और जिसमें जवाब भी आए हैं, लेकिन एक जवाब भी आया है। मेरा ये कहना है कि ये बहुत ज़्यादा अपमान है अमर शहीद राजा नाहर सिंह जी का। अभी हम 7 के गांव में गए थे इन भाई के साथ, वहां पर हमें पता लगा कि गांव वालों को सच्चाई नहीं मालूम है। देखिए 6 अप्रैल को उनका जो है जन्म दिवस है, उसके अवसर पर जो है हमने ये मांग की है और पहले से हम करते चले आ रहे हैं, लंबे समय से हमारी मांग है कि राजा नाहर सिंह, जिनको अंग्रेजों ने भी आयरन गेट कहा है, वो इतने महान योद्धा थे और जिन्होंने अपना सब कुछ नौछावर कर दिया, 1857 में उनकी जो है रियासत को अंग्रेजों ने जब्त कर लिया, लेकिन देश आज़ाद होने के बाद में जो हमारी अपनी सरकारें हैं उन्होंने भी वही रवैया जो अंग्रेज उनके खिलाफ जो है करते रहे, वही रवैया मुझे लगता है कि हमारी आज़ाद सरकारें भी उनके लिए कर रही हैं। उनका जो महल है, जिसको इतने महान योद्धा का जो महल है उसको स्मारक घोषित करने की बजाय उसमें जो है एक टूरिज्म डिपार्टमेंट हरियाणा की ओर से एक होटल का और रेस्टोरेंट का जो है संचालन हो रहा है और उसमें बार चलाई जा रही है जिसमें शराब परोसी जाती है, ये बहुत ही शर्म की बात है। ये कार्य सरकार की ओर से हो रहा है।